हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सिद्धार्थ सिन्हा और ये जो वीडियो है आपका, ये है आपका इंडियन ओवरसीज बैंक प्रमोशन एग्जाम पर बात कर रहे हैं और हम बात कर रहे क्लर्क्स ऑफिसर का क्या स्ट्रेटजी होना चाहिए जिसकी हेल्प से हम एग्जाम को पास कर सकें। सबसे पहले चीज है क्या स्ट्रेटजी होना चाहिए, समझ लो। हम यहाँ जो भी बात कर रहे हैं स्ट्रेटजी के ऊपर फोकस होगा, हम उसके ऊपर बातें करेंगे और उसके ऊपर समझेंगे कैसे क्या करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम इस चीज को। सबसे पहला चीज ये समझना है कि आप जो प्रमोशन एग्जाम देने जा रहे हो, ठीक है, सीट्स आपको पता ही है कि कम है, ठीक है, सीट्स नेचुरल सी बात है, अगर सीट्स आपकी लो है यानी कम है तो फाइट ऑटोमेटिकली भी टफ हो जाएगा। अब हम इसमें एक चीज और बात करेंगे, मिस्टेक, जो बहुत बड़ा मिस्टेक हम लोग कर देते हैं, बिना सोचे समझे हम पढ़ने लगते हैं, ठीक है, बिना समझे हुए पढ़ने लग जाते हैं, ये मिला धर धर पढ़ना चाहते, ठीक है, ये बहुत बड़ा मिस्टेक है कि आपको समझना होगा कि सिलेबस आपका क्या है। मिस्टेक क्या है कि सिलेबस हमें मालूम ही नहीं है, सिलेबस हमें मालूम ही नहीं है क्या पूछने वाला, डोंट नो, ठीक है। अब हम लोग आते हैं इंडियन ओवरसीज बैंक में, ठीक है, क्लर्क से ऑफिसर, ठीक है, स्केल वन से स्केल टू, स्केल टू से स्केल थ्री, इन तीनों का सिलेबस डिफरेंट है, ठीक है, सिलेबस क्या है, हर किसी का डिफरेंट है, अलग अलग सिलेबस है, ठीक है। अब हम जैसे अभी हम तैयारी किसकी कर रहे हैं, स्केल वन से टू का, तो फिर भी काफी हद तक सिलेबस आप बोल सकते हो एक जैसा होता है, बट क्लर्क्स ऑफिसर का तो सिलेबस बहुत ही डिफरेंट है, ठीक है। अब इसमें एक और मिस्टेक है, हम इंडियन ओवरसीज बैंक का करियर गाइड लेंगे और उसको पढ़ना चालू कर देंगे। मेरे यहाँ बहुत सारे लोग ऐसे ज्वाइन किए जो आईओपी का करियर गाइड लास्ट ईयर का पढ़ा था, उसकी भी लास्ट ईयर इन्होंने दिया था, पढ़ा है दो दो साल से दे रहे हैं, नहीं रिजल्ट आ रहा है, क्योंकि करियर गाइड जो है आईओपी का करियर गाइड है, ये कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि ये क्लर्क से ऑफिसर का है प्रमोशन के लिए, ठीक है, ये कहीं नहीं लिखा हुआ, तो ये आप समझो उसमें क्या लिखा हुआ क्या नहीं लिखा हुआ है। दूसरी बात, ये ऑफिसर प्रमोशन का लिए होता है, बेसिकली किसके लिए होता है, ऑफिसर्स के प्रमोशंस के लिए होता है, यानी अगर आप स्केल वन में काम कर रहे हो तो स्केल टू के लिए आपके लिए होगा, स्केल टू से स्केल थ्री, ये टिल आपका डीजीएम लेवल तक के लिए हेल्प करता है आपको, ठीक है, मैं आपको हेल्प करता है, ठीक है। तो ये जो पढ़ रहा हूँ आईओबी करियर गाइड, आपको ये समझना है सिलेबस क्या बोलते हैं, आपको उसके अकॉर्डिंग पढ़ना, ये नहीं है कि कुछ भी पढ़ लेंगे और कुछ भी करके आ जाएंगे आप पास कर जाएंगे, नहीं होगा, आपके लेवल है वैसा सवाल आएगा ही नहीं। अब जैसे उसमें जाइएगा तो बहुत सारा चीज आपको एक टॉपिक मिल जाएगा, मान लीजिए आपको फॉरेन बिजनेस है, ठीक है, इंडियन ओवरसीज बैंक फॉरेन बिजनेस भी करती है, तो आईओबी के करियर गाइड में आपको फॉरेन बिजनेस दिख जाएगा, ठीक है, आप करते हैं क्या, आपके क्लर्कल में सब कैंडिडेट नहीं है, ठीक है। उसके बाद मान लीजिए कोई फॉरेक्स का आपको दिखेगा ऑपरेशन, भाई ये सब आपको पढ़ना ही नहीं है, क्यों पढ़ रहे हो, ठीक है, आप ये जानो ना इसमें पढ़ना क्या है, वो हमें मैटर करता है, व्हाट टू स्टडी एंड व्हाट नॉट टू स्टडी, हमें ये जानना है व्हाट टू स्टडी और व्हाट नॉट टू स्टडी, ये मालूम ही नहीं है और पढ़ेंगे तो फेल हो जाएंगे, सिंपल सा बात है, ये सबसे बड़ा रीजन है। मैं बोले ना करियर गाइड खराब है, करियर गाइड बहुत बढ़िया है, पर वो आपके लिए नहीं बनाया गया है, वो बनाया गया है ऑफिसर्स प्रमोशंस के लिए बनाया गया है, ठीक है। इंडियन ओवरसीज बैंक का जो ऑफिसर एसोसिएशन होता है, ठीक है, उसमें आप देखोगे ये चीजें वहां पढ़ाई जाती है, चाहे आप जाओगे तो वहां के प्रमोशन एग्जाम में जब जो प्री प्रमोशन होती है वहां पे करवाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ये चीज जो है आपके काम का नहीं है और एक रीजन है जिसकी वजह से लोग फेल कर जाते हैं, ठीक है। सबसे बड़ा बात है सिलेक्टिव होके पढ़ना है, सिलेबस क्या बोलता है वो आपको जानो, सिलेबस क्या है हमें वो पढ़ना है, हमें सिलेबस ही नहीं मालूम, ऐसे लेके पगला की तरह पढ़ने लगेंगे तो कुछ नहीं रिजल्ट मिलेगा, और लास्ट रिस्पॉन्सिबल आप। मेरे ऐसे बहुत सारे लोग ज्वाइन किए हैं जो ये मिस्टेक करके आए, ठीक है। चलिए बाकी आपकी मर्जी, च्वाइस आपका है, रास्ता आपको चुनना है, मैंने आपको जो चीज सब ये आपको मैंने बताया। स्ट्रेटजी में बस दो चीज आपको करना है, ठीक है, टू स्टेप करना है आपको, इतना ही कर लोगे काम बन जाएगा आपका, ठीक है, टू स्टेप एंड फोर स्टेप दोनों आप बोल सकते हैं, बेसिकली आपको दो स्टेप में ही काम बन जाएगा, फोर स्टेप कर लेंगे तो बेस्ट है ये, ठीक है। हम लोगों ने क्या किया है, जो आपका इंडियन ओवरसीज बैंक है उसके ऊपर प्रॉपर, यानी हम जो बोल सकते हैं आईओबी का
क्लर्क टू ऑफिसर का सिलेबस के हिसाब से प्रमोशन कोर्स हम लोगों ने बनाया है, ठीक है, समझ गए। और ये जो भी है ये प्योरली आईओबी का है, इस चीज को ध्यान दीजिएगा। प्योरली किस बैंक की बात कर रहे हैं? इंडियन ओवरसीज बैंक की बात कर रहे हैं, ठीक है। हम बात करेंगे स्टेप नंबर वन, पहला है वीडियो कोर्स को खत्म करिए। स्टेप नंबर टू, आप क्वेश्चन आंसर डिस्कशन वीडियो है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें से बहुत सारे टॉपिक्स आपको दिखेंगे, ठीक है। उसको आपके बारे में पूरा क्वेश्चन बाल का खाल निकल, एग्जांपल पीपीएफ है, पीपीएफ में कितने रुपए का लोन हम दे सकते हैं, कब लोन मिलता है, बहुत सारी चीजें, कितना इंटरेस्ट रेट, तो सारे चीज आपको क्वेश्चन आंसर डिस्कशन वीडियो में देखिए। गवर्नमेंट योजना के ऊपर क्वेश्चन है, इसमें बहुत सारी चीजें, एमएसएमई पैटी सेक्टर, इसलिए मैं बोल रहा हूं क्वेश्चन आंसर डिस्कशन वीडियो करना जरूरी है। ये दो चीज कर लिया अगर आपने, आप बहुत हद तक अच्छा तैयारी कर लीजिए। अगर टाइम और बचता है तो आप इसमें ऐड कर सकते हैं, प्लस डाल लीजिए। स्टेप थ्री, क्वेश्चन बैंक, ठीक है। स्टेप फोर, मॉक टेस्ट। ठीक है, तो एक चीज समझिएगा, ये जो क्वेश्चन बैंक है, ऐसा नहीं कि पहले क्वेश्चन बैंक करिएगा, कोई फायदा नहीं, क्वेश्चन बैंक घट के जाने से कुछ नहीं होता, ये क्वेश्चन बैंक कलेक्शन किया हुआ क्वेश्चन है, बट आप इसको ये मत सोचिए ये पढ़ के जाएंगे हम पास कर जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। आपको बेसिकली ये दो काम करने हैं, और टाइम बचेगा तो ये भी कर लो और ये भी कर लो, एक अलग बात है, ठीक है, बट ये खाली करने से कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। आपको ये और ये करना है, ये दो चीज कर लोगे, स्टेप वन स्टेप टू रिजल्ट आ जाएगा। चलिए हम लोग आते हैं कोर्स कंटेंट के ऊपर। पहला हो जाएगा वीडियो लेक्चर कोर्स, दूसरा हो जाएगा आपका क्वेश्चन आंसर डिस्कशन वीडियो। नोट्स हो जाएंगी पीडीएफ में। चौथा 3000 सेट का क्वेश्चन बैंक होगा पीडीएफ में। पांचवा 10 मॉक टेस्ट होगा, ठीक है, ये सारी चीजें आपके पास होंगी। अब इसमें एक चीज और मैं आपको बता देता हूं कि अगर आप सिलेबस देखोगे, जो आईओबी का सिलेबस है, इसमें कोई चेंजेस नहीं है, ठीक है, लास्ट 8 ईयर से, ठीक है, ये थोड़ा याद रखिएगा, ओके। अब आप जब एग्जाम में जाओगे तो वहां पे आपसे बहुत सारी चीज पूछ लेंगे आपसे, ठीक है। सिलेबस में कुछ खास मेजर चेंज नहीं होता, बहुत सारे लोग एक मन में मिस्टेक ये भी रहता है कि क्या आरबीआई अपनी पॉलिसीज डेली अपडेट करता है, हर दिन अपडेट करता है, वीकली करता है, मंथली करता है, ईयरली करता है। देखिए आरबीआई जो भी अपनी पॉलिसीज बनाता है, चाहे जो भारत सरकार निकालती है, आरबीआई उसको इम्प्लीमेंट करता है, तो ऐसा नहीं कि कोई डेली होता है, कोई ईयरली होता है, वो चेंज भी होगा तो कम से कम 4-5 साल के बाद ही होगा। एग्जाम्पल ले लीजिए, एक एमएसएमई एक्ट आया था, ठीक है, 2006 का कानून है, ये चेंज हुआ है आपका, फिर एमएसएमई का नया कानून आया 2020 में, ठीक है, चेंज हुआ भी इतना समय लगा। और मैं बताता हूँ, एनआई एक्ट हम लोग जानते हैं कब का है, 1872 का कानून है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट है, ये कब का कानून है भाई, ये कानून है 1881 का कानून है। तो आप एक चीज समझो, इतना पुराना पुराना कानून है, इसमें एक दो चीजें चेंज होती है, ऐसा कुछ नहीं होता डेली चेंज होगा, डेली प्लीज मिसकंसेप्शन हटा लीजिए। सिलेबस भी वैसा ही है, चीजें भी वही रहेगी, सेम रहता, कुछ ऐसा नहीं बहुत चेंजेस हो जाए, हाँ कुछ चेंजेस होती हैं। अब चेंजेस क्या होती हैं वो थोड़ा मैं आपको बताता हूँ।
चेंजेस होंगी, बिल्कुल होंगी, कुछ फाइनेंशियल डेटा चेंज हो जाएगा आपका, ठीक है, कुछ फाइनेंशियल मेन्यूज अपडेट हो जाती हैं, ठीक है, कुछ आपका सर्कुलर्स मेजरली सेम ही रहता है, सर्कुलर्स में कुछ हल्का फुल्का चेंज होता है, ठीक है, बट बहुत माइनर, एक दो डिलीट कर देंगे, एक दो नया ऐड कर देंगे, बस आपको पढ़ना सब है, ठीक है। इसमें चेंजेस के नाम पे बहुत छोटा चेंज होता है, ठीक है, ये मैं सोचे बहुत भारी भरकम चेंज हो जाता है, सिलेबस सेम है, कंटेंट सेम रहता है, सिर्फ ये सब चीज चेंज होती है, ठीक है सर। तो समझ के रखिए, क्या होता है ना, कंफ्यूजन में नहीं रहना है, नहीं मालूम है तो पूछ सकते हैं, है ना, जानने में कोई दिक्कत नहीं है, तो ये चीज आप जान के रखो कि तभी आपका काम बनेगा, और सिलेबस के हिसाब से पढ़ोगे तो ही रिजल्ट आएगा। ये सारी बातें हो गई, आपको ये सारी कोर्सेज जो है ये आपको ऑनलाइन मोड पे, यहां पे आपको वेबसाइट का यूजर नेम एंड पासवर्ड मिलेगा, उसी के हेल्प से आपको कोर्स करना है, ठीक है। वीडियोस जो होती हैं हम लोगों ने रिकॉर्ड कर दिया है, तो आप जब मर्जी है तब अपना देख सकते हैं, रिकॉर्डेड है तो आप वॉच कर सकते हैं एनी टाइम और एनी वेयर भी, ठीक। अब हम प्राइस पे आते हैं, ₹3000 है लाइफ लॉन्ग वैलिडिटी के लिए, यानी वैलिडिटी एक्सपायर नहीं करता, दूसरा हो जाएगा ₹2000 जो कि 6 मंथ्स की वैलिडिटी होती है, मर्जी आपकी है, जो चाहेंगे वो कोर्स आप कर सकते हैं, चॉइस आपकी होती है, ठीक है। फिर भी ऐसा कुछ है जो वीडियो में नहीं बताया गया, ध्यान रखिएगा, जो वीडियो में चीज है वही सेम चीज मत पूछिए, अननेसेसरी है, वो चीज पूछिए जो वीडियो में नहीं है, ठीक है। तो उस चीज के लिए आप चाहो तो फोन भी कर सकते हो, फोन नंबर हो गया 4x9685127, या फिर आप वेबसाइट में भी जाके डायरेक्टली ऑनलाइन पेमेंट वहां से कर सकते हो। हमारा वेबसाइट है www.jaiibcaiibstudymaterial.com, ईमेल आईडी हो जाएगा sidsinha123@gmail.com। सारा इंफॉर्मेशन मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, ठीक है, थैंक यू वेरी मच।